जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 32 भारतीय रिपब्लिक पार्टी समर्थित ब्रजलाल ब्रजेश बौद्ध वरिष्ठ पत्रकार के चुनाव चिन्ह टेलीविजन पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए। अमेठी में रहने वाले उस शख्स की बेटी को एक लड़का बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया। लड़की का परिवार तुरंत ही थाने पहुंचा और मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन हद तो तब हो गई जब कमरौली थाना के दरोगा ने पीड़ित परिवार को थाने से ही भगा दिया। इसके बाद से ही परिवार बेटी की बरामदी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन की खास खबर। ये मामला कमरौली थाना इलाके के बनभरिया गांव का है, जहां रहने वाले इस शख्स की बेटी को एक लड़का अपने साथ बहला फुसलाकर भगा ले गया। लड़की के पिता और भाई तुरंत ही अपनी गुहार लेकर कमरौली थाने पहुंचे, लेकिन दरोगा ने जो कुछ कहा उसे सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, पीड़ित के मुताबिक दरोगा ने कहा कि हमने तुम्हारी बेटी को ढूंढने का ठेका नहीं ले रखा है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का आरोप है कि दरोगा ने उन्हें भद्दी भद्दी गालियां भी दी। हमारा ऐसा है कि हमारी छोटी बहन सना शहर जहाँ बानो है, उसको गांव के हसन, उनके पिताजी का नाम है शब्बीर अहमद, वो बहला फुसला के भगा ले गए हैं। वो नाबालिग है और हम तहरीर दिए हैं थाना कमरौली में। साहेब लाल दरोगा जी हैं, कल हम गए थे थाना तो ऐसो शाम नहीं थे, तो उनको कंप्लेंट दिया कि हमारी बहन के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप ढूंढो कार्रवाई करो। तो बोले हम तुम्हारी बहन का ठेका नहीं लेके रखे हैं, हम कहाँ ढूंढेंगे, और हमारे पिताजी हैं। इनको गाली दिया, उल्टी सीधी बात बोले, हम लोग वापस आ गए, कल शाम तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हमारी बहन को जेवर पैसा वगैरह सब लेके गए हैं, पूरा लिस्ट बना हुआ है, हम ऐसे बता रहे हैं और कार्रवाई हमें होनी चाहिए। इसकी शिकायत जहाँ तक होगी आगे हम करेंगे। दरोगा जी ने, थाना कमरौली ने हमारा कोई सपोर्ट नहीं किया, वो किसके दबाव में है, किसका पक्ष ले रही है हमें नहीं पता, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई 3 दिन हो गया नहीं किए। दरोगा जी साहब लाल हैं कमरौली के, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं किया, एसओजी मौजूद नहीं थे कल। बेटी के लापता होने के बाद से परिवार का रो रो कर बुरा हाल हुआ जा रहा है। वहीं पत्रकारों के ट्वीट करने पर अधिकारियों ने मामले पर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है और आखिरकार मामला दर्ज भी कर दिया गया है। वही परिवार का कहना है कि उनकी बेटी नाबालिग है, हालांकि ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि परिवार के ये इल्जाम कितने सच हैं। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक ने पवन मौर्य के साथ कवर की है। मोहम्मद तौफीक ने खुद पीड़ित परिजनों से बात की, जिस पर यह खुलासा हुआ। अब देखना ये होगा कि अधिकारी इस मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देखते तो लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। जिला पंचायत सदस्य पद हेतु वार्ड नंबर 11 से भाजपा प्रत्याशी रजनी तिवारी पत्नी राघवेंद्र तिवारी का चुनाव चिन्ह छड़ी पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए।